सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं प्रयाग बजाज गिरिडीह और एक बार बार कमेंट सेक्शन में एक हमारे भाई कमेंट कर रहे थे कि पल्सर 180 का रिव्यू बनाएं। आज फाइनली पल्सर 180 का रिव्यू दे रहे हैं, कार शोरूम पे अवेलेबल हो गया है और ये डार्क जो मैट ब्लैक कलर है वो वाला अवेलेबल हुआ है। और एक और करेक्शन करना है मेरे को आप लोगों को कि पल्सर जो 150 का हम लोगों ने सिंगल डिस्क वर्सेस ट्विन डिस्क का जो कंपैरिजन किया था तो उसमें जो ट्विन डिस्क वाला है उसमें आपको साइड मतलब कि जो किक होता है वो अवेलेबल नहीं है और जो सिंगल डिस्क वाला है उसमें आपको किक अवेलेबल है। और ये वाला पल्सर भी आप देख सकते हो 180, इसमें भी आपको किक अवेलेबल नहीं किया गया है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो जैसा पल्सर 150 का लुक है सेम वैसा ही लुक है, बट आपको रेयर में एक 180 का लोगो दिखेगा और इंजन वगैरह 180 पे है और मीटर वगैरह सब सेम है इसके। अब चलिए इसका रिव्यू आप लोगों को देते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में देखो आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है और जो फेस है पल्सर 150 का भी जैसा है वैसे ही फेस है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो स्टिकरिंग वगैरह दिया हुआ है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स, टेलीस्कोपिक में फोक है और यहाँ पे आपको मैट कार्बन मतलब कि कार्बन फाइबर का फिनिश एक छोटा सा स्टिकर में दिया हुआ है। MRF का फ्रंट टायर है 90x90 का, 17 इंच का एलॉय है और इसमें ट्विन डिस्क आपको अवेलेबल हो रहा है 180 वाले में। और ABS रिम देख सकते हो, सिंगल चैनल ABS है, हालांकि बजाज का डुअल चैनल ABS सिर्फ अभी RS में आ रहा है और जितनी बाइक से सब में सिंगल चैनल ABS और कॉम्बी ब्रेकिंग वगैरह आता है। और राइट लेफ्ट में आपको रिफ्लेक्टर्स भी अवेलेबल किए गए हैं। ऊपर आते हैं तो ऊपर देख लो ये पोर्शन भी जो मीटर वाला पोर्शन है जैसा 150 का ट्विन डिस्क वाला पल्सर है वैसी ही है। इसका बैकग्राउंड वगैरह सब और इसमें आपको एवरेज इंडिकेटर वगैरह सब अवेलेबल किया हुआ है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी आपको मिल जाएगा और लास्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी मिल जाएगा। और यहाँ पे किल स्विच है एंड इग्नाइशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मीटर वगैरह ये सब जितना भी इसका कंसोल वगैरह सब पल्सर 150 जैसा ही है, बस आपको इसमें 180 का इंजन मिलेगा। यहाँ पे आते हैं तो ये भी देख लो जो मैट ब्लैक पोर्शन है उस पर जो स्टिकर दिया गया है वो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है और पल्सर का एक जो मोनोग्राम रहता है वो आपको प्रेजेंट किया गया फ्लैट में। और टैंक पे एक छोटा सा टैंक पैड भी अवेलेबल है। इस साइड आते हैं तो इस साइड भी आप लोग देख लो पल्सर का मोनोग्राम जो आपको फ्लैट में दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक स्टिकर। नीचे इंजन पे आते थे, इंजन भी कंप्लीट ब्लैक सेटअप पे, थोड़ी गंदी होगी कॉज अभी जस्ट बारिश हुई है, नहीं तो मैं बाहर निकाल के अच्छे से वीडियो बनाता, अभी भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। और ये कंप्लीट ब्लैक पोर्शन में DTSI बजाज पावर्ड का स्टैंप, यहाँ पे 180cc का इंजन है और कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह आगे में दिए गए हैं। और एग्जॉस्ट देख सकते हो वो भी मैट ब्लैक में है और जो एग्जॉस्ट का कवर है जैसा इंजन का कलर है वैसे ही यहाँ पे कलर आपको मिलेगा। रेयर में आते हैं तो रेयर में आपको 120x80 का रेयर टायर मिल रहा है, MRF का टायर है और उतने चौड़े ग्रूव्स नहीं दिए गए हैं इसमें जैसा कि पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाले में था। और रेयर का ब्रेक्स वगैरह देख सकते हो जो आपको यहाँ पर डिस्क मिल रहा है और आगे में एक सेंसर मिल रहा है, वो ABS रिम नहीं है, एक सेंसर टाइप दिया हुआ है। और इस पर रेयर में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे। स्प्लिट सीट इसमें प्रेजेंट की गई है जिसकी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है और 180 का ये आप ग्रैब रेल भी देख सकते हो जैसा फर्स्ट एडिशन का आता था वैसा ही है। और 180 का एक स्टिकर यहाँ पे। टेल की बात करें तो टेल भी सेम ही है, कुछ वैसा चेंज नहीं। और यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह आपको दिख जाएगा इस वाली पल्सर 180 पे। तो ये तो हो गया इसका एक कंप्लीट वॉक अराउंड, क्विक वॉक अराउंड और रिव्यू वगैरह। और इसका राइड रिव्यू वगैरह भी जल्दी लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना आप लोग को चाहिए कि नहीं। हालांकि अभी रमज़ान चल रहा है तो मैं जो पुराने वीडियोस में जितने शूट हुए हुए वही वाला मैं डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आ रहा मार्केट में कुछ नया वर्जन तो उसका तुरंत वीडियो शूट करने आ जा रहा हूँ। और एक और बात बताऊँगा आप लोगों को, जो मेरे कंपैरिजन वीडियो डाला था जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क वाला, तो सिंगल डिस्क में आपको किक मिल रहा है और ट्विन डिस्क में आपको किक नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक डिफरेंस है दोनों का।
और पल्सर ये वाली जो है, मतलब कि पल्सर 150 2021 और पल्सर 150 2020, तो कंपैरिजन रिव्यू भी दिया हुआ है मेरे चैनल पे। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। जो ऑन रोड प्राइस यहाँ पे आपको पड़ रहा है प्रयाग बजाज गिरिडीह में, वह 1,33,000 ऑन रोड है। और जो इसका लुक देख सकते हो आप लोग, पल्सर 150, अगर पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाली जो आती है, अगर दूर से वो खड़ी रहे और ये खड़ी रहे तो दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इस 180 को और पल्सर 150 को कंपेयर करें, तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप लोग को उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताना हमें। चलिए वीडियो करते हैं एंड। होप्स आपको ये वाली 180 पसंद आया होगा। और जो भाई हमारे कमेंट कर रहे थे बार बार पुराने वीडियोज़ में, उन्होंने किया है कि पल्सर 180 का रिव्यू बनाइए, तो उनके लिए फाइनली वीडियो आ गया है, आप भी चेकआउट कर लेना भाई। अब चलिए वीडियो करते हैं एंड। पुराने सब्सक्राइबर्स हो अगर आप लोग, तो यार वीडियो शेयर करो, 50K फैमिली होने वाली है, जल्दी कंप्लीट करा दो। और नए सब्सक्राइबर्स हो तो, मतलब कि नए अगर आप लोग आए हो मेरे चैनल में, तो कंटेंट चेक करो और सब्सक्राइब करो पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।